मम्मी से सीखे हो क्या? फैमिली वीडियो तो फिर ऐसे कर लो। बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी बज रहे इवनिंग के 6:30। बाकी आज सडन जो है बिरयानी का प्लान बन गया। एक्चुअली मैं अभी 2 दिन पहले ही बनी थी, बट कुछ कमियां रह गई थी, तो उसी का जो है सुधार करके इन्होंने बोला कि आज जो है मैं बनाऊंगा। एक्चुअली मैं अभी कल जो है यहाँ बगल में शादी है, तो कल का डे पूरा हैक्टिक हो जाएगा। एंड वीकेंड पे ही हम लोग का नॉनवेज का सीन बनता है, तो इसकी वजह से जो है आज बनाने का प्लान है। लो भाई वर्कआउट करके भैया आ गए हैं, ये सीन है। बाकी जो है हमारे पड़ोस में भैया है, उनकी ही बेटी की शादी है, तो यहीं बगल में जो है मैं भी दिखाती हूँ, वहीं पर जो है पूरा टेंट वगैरह जो भी है सब लगेगा। बाकी खाने वगैरह का सिस्टम हमारे यहाँ ही होगा, मतलब यहीं पर बनेगा, बिकॉज बगल में ही है, तो उनके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। ये देखिए, ये जो है इस वाले पूरे एरिया में टेंट वेंट लगेगा, शादी वादी होगी। एंड ये पूरा कैटरिंग वगैरह का सामान आ गया है, तो यहीं पे जो है बनेगा। सो लास्ट टाइम की जो बिरयानी थी उसमें जो है राइस गड़बड़ आ गया था, तो इस बार जो है राइस चेंज किया है। हाँ, यह बिरयानी स्पेशल बासमती राइस। बाकी इधर चिकन को जो है वॉश वॉश कर लिया है। ये क्या है, जीरा है, क्या था, धनिया, हाँ धनिया, और ये सौंफ, एंड इसको कूट लिया है, हरी मिर्च, बाकी इसको चॉप कर लिया है, ये रिकॉर्ड, जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये पुरानी गलतियाँ। क्या गलतियाँ भाई? घी थोड़ा सा कम करना है। ओके। और वाटर पहले डालना है, क्योंकि पिछली बार पानी प्रॉपर बॉईल नहीं हो पाया था, हमने राइस पहले डाल दिया था। फिर राइस की क्वांटिटी थोड़ी कम करनी है, अचार बढ़ाना है, और दही दही थोड़ा कम करना है, बस 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 बस। तभी जो है इसको अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में। आज देखो, आज खुशबू इसकी अलग ही आ रही है मसालों की वजह से। सो इस बार भी जो है 2.5 ग्लास लगभग चावल लिया है। गाइज, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो पिछले ब्लॉग में देख ही चुके, रिपीट हो रहा है, तो ऐसा लेकिन हम लोग इसलिए भी बना रहे हैं कि जो गलती हो उसको फिर से एनालाइज करें, क्या पता इस बार क्या गलती हो, इसीलिए सबकी क्वांटिटी सब कुछ देखा है, कितना कितना पड़ा है। बेटा कैमरा इधर है, इधर देंगा हूँ ना, देंगा वो। चलो सही है, देखा ही नहीं तुम्हारी शादी के टाइम, देखता इधर हूँ, बोलता इधर। अच्छा। तो देखते हैं सही कैसी बनती है। बाकी यार एक्सपेक्टेशन तो बड़ी हाई है इस बार। एक्चुअली प्याज गर्म रहती है ना, तो वो अपनी आंच में भी थोड़ा सा पकती है, इसलिए एकदम ब्राउन होने का वेट नहीं करना। ओ, ये तो बहुत डीप बात बता दी आपने। प्याज जलने से पहले ना, मतलब समझ लो बहुत ही कम टाइम का, हाँ क्योंकि अभी ऑलरेडी रखे रखे जो है थोड़ा ब्राउन हो जाएगी। चलो कर लो, रखे बहुत गड़बड़ आप कर रहे हैं, गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? वो खड़े मसाले लाओ लाओ। सो पिछली बार भी जो है खड़े मसाले लेट पड़ गए थे, इस बार भी थोड़ा सा लेट हो गया, पहले डालना मिस था, हो गया, मिस हो गया, भूल गया था, तो कब मैंने याद दिला दिया। दही जो है अपना पानी छोड़ दे, ठीक है, और तेल ऊपर आ जाए, बस उस लेवल तक पकाना है। अभी सारे जो है खड़े मसाले ले लिए है, दिख ही रहा होगा, क्या अलग बताऊँ, तेल तो ऊपर आ रहा है, बस बस थोड़ी देर में ये पानी इधर जो गर्म हो रहा है इसमें थोड़ी देर में डाल देंगे तो चला जाएगा भाई, लग रहा और ना पड़े पानी यार, ये चावल निकालने में गिर जाता है। तरीका तरीका आना चाहिए ना भैया, वहाँ कौन सा हाथ लगाता है, नीचे साइड लगाओ, हाँ ऐसे। मम्मी से सीखे हो क्या यार, तुम कैसे करती हो? बस ठीक है, हाँ हाँ, पानी कम लग रहा है, तो कर दो भैया, बढ़ा दो, नहीं फिर बाद में मुझे बोलोगे तुम्हारी वजह से गड़बड़। रेसिपी आपने 40 देखी है, बताऊँ मैं कि कितना पानी पड़ेगा कितना नहीं? भैया अगर रेसिपी देखने से ही सब आदमी कर लेते हैं, हाँ, रेस्टोरेंट सारे बंद नहीं हो जाते, कला नाम की कोई चीज होती नहीं होती, तो लगाओ अपने फिर कलाकारी। चलो पड़ गया ना मरना, देखो चावल ऊपर आ गया है, हाँ यार चावल कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है, अब ये देखो पानी है नीचे, ठीक है, इसी पानी में बस अपने को दम लगाना, रोस्ट कम हुआ, ये गया थोड़ा सा केवड़ा,
फूड कलर, ये पानी भर गया। सो बस अभी जो है 15 से 20 मिनट हो गए हैं एंड आई थिंक ऑलमोस्ट अपनी बिरयानी भी बन चुकी है। पहले के मुकाबले चावल खिले खिले हैं, बहुत प्यारे खिले हैं, बहुत प्यारा गुगलू, यू विल लव इट। इसे कहते हैं खिलाहट। ये देखो चावल खिला हुआ एकदम। गुगलू को टेस्ट करा, गुगलू विल टेस्ट फर्स्ट। पहले मैं टेस्ट करके मैं कमी बताता हूँ कि अब क्या कमी रहेगी। बेटर देन आरिफ। अगर 19-20 टेस्ट का है भी तो वो रिफाइंड वर्सेस सरसों के तेल में। मैक्सिमम जितनी भी मुरादाबादी बनती हैं रिफाइंड में, रिफाइंड में बनती हैं। मतलब पिछली बिरयानी को मैं दूंगा 10 में से 3, 10 में से 4 या 4 नंबर। दिस इज 9 to 9.5 है, इतना डिफरेंस। चलो अब उधर देख के एक्सप्रेशन है, तुम्हें लग रहा है कि ये किसी नूब ने बनाया है। नूब बोले तो क्योंकि एकदम बिगिनर हो, ये मेरा सेकंड टाइम है, राइस तो मैंने कभी बनाया भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि किसी नए नवेले ने बनाया है। सही लग रहा है, तुम्हारी आंखें तब से इसी पे टिकी हैं कि अगला कवर कब मिलेगा। नाउ गुगलू विल टेल अस द टेस्ट। हाउ इज द टेस्ट गुगलू? च्यू इट प्रॉपर्ली एंड टेल अस हाउ इज द टेस्ट। सो नाइस। अभी पापा जा रहे हैं टेस्ट करने एंड पापा देंगे ऑनेस्ट रिव्यू। आज अच्छा, फेक नहीं देना, रियल देना है। पापा सही देते हैं। पापा को अच्छा लगना जो समझ रही हो, बहुत बड़ी बात होती है। यूजुअली पापा एक दो और खाते टेस्ट करते कहते हाँ हाँ हो गया, पहली बार देखो पूरा खाए। तेज बोलो, तेज। बहुत अच्छा बना है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि घर का है। मैं फिर से एक बार कर लो, फैमिली वीडियो तो फिर ऐसे कर लो। लेकिन फैमिली में ऐसे क्या फ्लाइंग किस नहीं दे सकते फैमिली वीडियो में? यूट्यूब में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तुम यहाँ है? नहीं। The next day. Hey guys, तो अभी बज रहा है शाम के 5:30। बाकी यार मैं दिन से ही सोच रही हूँ ब्लॉग स्टार्ट करूँ, बट आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक था, बड़ा बाजार जाना आना हो रहा था, तो बस बनाया नहीं। तो अभी फ़िलहाल तो देखो मैं थोड़ा माहौल दिखा देती हूँ क्या चल रहा है इधर। सब देखो पूरा टेंट लग गया है, ऑलमोस्ट हो गया है। एंड फिलहाल तो भाई मौसम भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो देखो बादल घेरे हैं एंड ये देखो झालर वालर लग गई है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा भाई अभी डीजे जे स्टार्ट हो जाएगा तो उससे पहले जो है व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। बाकी इंस्टाग्राम भी वहाँ पे है। सो फिलहाल तो यही सब है, बाकी अभी मैं जा रही हूँ। आज देखो रहा ही नहीं शादी के चक्कर में, मेरा शाम को ही रहेंगे। अनबॉक्स करते हैं। ओहो इट्स सो बिग, आई विल मेक यू वियर। फर्स्ट यू ओपन दिस वन आल्सो। गुगलू लेट मी डू दिस, अदरवाइज यू विल कट योर फिंगर। नो मम्मा, आई एम बेबी आर स्मॉल, बेबी कैन नॉट। पंद्रह
वंदना भी आएगी, उसका मेकअप वगैरह जो है वो यहीं पे होगा, उसकी पार्लर वाली यहीं पे आएगी। मैं सेटअप वेटअप कर रही थी जो कि अभी कर लिया है। ब्यूटी सलोन आएगी तब मेकअप। ओहो, व्हाट यू सेड, ब्यूटी सलोन आएगी तब मैं मेकअप करूंगी। चलो गो इनटू नाइन। मैं ये वाली साड़ी पहन रही हूँ, ये यही सब ओकेजन होता है पहनने के लिए, है ना। सो गुगलू ने अभी नाई नहीं कर लिया है, बाकी फ्रॉक बैग बढ़िया से रेडी रेडी हो गई है। वाह, प्रिंसेस लग रहा है चिक्की तो। ये तो कटिंग है, गूगल स्टाइल है, ये प्रिंसेस वाला स्टाइल है, वेरी ब्यूटीफुल। सो अभी वंदना फाइनली हो गई रेडी, इनकी बारात भी आ गई है। कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, डर तो नहीं लग रहा। चलो ठीक, तो कुकड़ बने रे, जितो कुकड़ बने रे, काश ये तो पटे हुए ना सदके ते, काश ये तो पटे हुए ना सदके ते। I'm